फूफो से मिलने जा रही हूँ, साथ में खाना भी दे आऊंगी। आप इतने अपने दामाद को चाय पिलाएं। जल्दी आ जाऊंगी। अब तो ये और मेरे सर पर चढ़ेगी। इसने अगर ये बात फरहान या अम्मी को बता दी दोनों मेरा जीना हराम कर देंगे। एकदम एक मरीज, ज़हनी बीमार आदमी, इससे जबरदस्ती शादी करा दी तुमने मेरी। अब तो जन्म जन्म का बदला पूरा कर लिया तुमने मुझसे। उस रात जब खुर्रम ने मुझे कॉल की थी उसकी आवाज ऐसी हो रही थी, मैं मुझे पता क्यों नहीं चला। यहां क्या कर रही हो तुम? शादी नहीं हो गई तुम्हारी? शादी हुई है, मरी नहीं हूं जो दोबारा वापस ना आती। नमाज पढ़िए पप्पो, वो तो कमरे में ही है ना। घर पे नहीं है हमजा। मुझे आता देखकर कहीं भेज दिया ना उन्हें। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी फजूल हरकत क्यों करूंगी? तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुम ये फजूल हरकत क्यों करोगी। तुम क्या साबित करना चाह रही हो? जब मैंने चलना सीखा था ना, तब से आ रही हूं इस घर में। मेरा हमेशा से ख्याल हमजा भाई ने रखा, यहां तक कि पहली बार जो मेरी स्कूल का एडमिशन हुआ था ना, वो भी उन्होंने करवाया था। मुझे बुक्स वही दिलाते थे, मुझे पढ़ाते भी वही थे। मतलब मेरी जिंदगी का हर काम मेरा ख्याल हमेशा उन्होंने रखा है। समझ गई, मतलब कि तुम लावारिस थी और कोई था। बकवास बंद करो, ज्यादा ना बोलने की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है और मेरा जो दिल चाहेगा वो मैं करूंगी। अगर तुम्हें जाना है जाओ, और बैठना है ना तो बाहर जाके सहन में बैठो। यहां खड़े होने की जरूरत नहीं है।